स्टडी टू वेलकम नेक्स्ट एग्ज़ाम, वेलकम स्टडी नेक्स्ट एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, आज 18 जुलाई 2019 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसे आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी नेक्स्ट एग्ज़ाम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो बिल गेट्स को पिछाड़कर विश्व के नंबर दो अमीर व्यक्ति बन गए हैं। यानी अगर बात करें कि विश्व के नंबर दो पोजीशन पर अमीर व्यक्ति कौन हैं, तो बर्नार्ड अर्नाल्ट जी विश्व के दूसरे नंबर के अमीर व्यक्ति बन गए हैं। तो बात यह आती है कि फर्स्ट नंबर पर कौन है, तो फर्स्ट नंबर पर जेम्स बेजोस जी हैं, जो कि अमेजॉन के मालिक हैं, और बर्नार्ड अर्नाल्ट की कंपनी लग्जरीज गुड्स को बनाती है। और अगर बात करते हैं बिल गेट्स की, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के मालिक बिल गेट्स थर्ड पोजीशन पर पहुंच गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2018 में पूरी दुनिया में कितने लोग भुखमरी से पीड़ित थे। यानी यूनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट जारी की है और उसके अकॉर्डिंग 2018 में पूरी दुनिया में कितने लोग भुखमरी से पीड़ित थे, 821 मिलियन। कितने लोग? 821 मिलियन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, 821 मिलियन लोग भुखमरी से पीड़ित थे। द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड नामक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें 2018 में दुनिया में भूखे लोगों की संख्या 821.6 मिलियन, यानी कि लगभग 9 लोगों में से एक लोग भुखमरी से पीड़ित थे। अब बात आती है यूएनओ की, तो यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी, और प्रेजेंट टाइम में यूएनओ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस जी हैं। यूएनओ का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। और तिजुयानी मोहम्मद बंदे को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया। किसे चुना गया? तिजुयानी मोहम्मद बंदे को 74वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल और युवा मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने हाल ही में किसे 2018 के लिए अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया है? स्मृति मंधाना या रोहित बोपन्ना? तो दोनों लोग, स्मृति मंधाना एवं रोहित बोपन्ना दोनों लोग को 2018 का अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। अर्थात ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हाल ही में छत्तीसगढ़ का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो छत्तीसगढ़ का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? अनसुईया उड़के जी को। किसे? अनसुईया उड़के जी को छत्तीसगढ़ का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स छत्तीसगढ़ के बारे में, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता छत्तीसगढ़ का गठन कब किया गया, तो छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को, फर्स्ट टाइम 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन किया गया। छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर 70.28% है। यहाँ की लिंगानुपात 991 है। कितना? 991। अगर बात करें छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर, फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ में एक नया रायपुर है जिसका नाम बदलकर अटल नगर कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल जी हैं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीट की संख्या 11 है, और छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सीट की संख्या 5 यानी 5, विधानसभा सीट की संख्या 90, टोटल जिलों की संख्या 27 है। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश यानी छत्तीसगढ़ में स्थित हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पीआर रामचंद्र मेनन जी हैं। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु, तो छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु जंगली भैंसा है, और छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना, छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष साल वृक्ष। और छत्तीसगढ़ के कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य कौन कौन से हैं? सायला, सुआ, नाचा तथा पंथी,
ये छत्तीसगढ़ के फेमस लोक नृत्य हैं। अगर नेशनल पार्क की बात करें तो इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में स्थित फेमस पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रभूषण हरिचंदन किस राज्य के नए राज्यपाल बने हैं? चंद्रभूषण हरिचंदन को भी हाल ही में आंध्र प्रदेश का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 में किया गया। फ्रेंड्स, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है, तेलुगु भाषा के आधार पर। यानी 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी जी हैं। आंध्र प्रदेश के गवर्नर जो भी हाल ही में विश्वभूषण हरिचंदन जी को नियुक्त कर दिया गया है। और लोकसभा सीटों की संख्या, यानी आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीट की संख्या 25 है। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय मुक्केबाज ने अमेरिका के माइक श्राइडर को हराकर पेशेवर मुक्केबाजी में लगातार 11वीं जीत दर्ज की? ये फ्रेंड्स लगातार बात है 11वीं जीत दर्ज की। तो बिजेंद्र सिंह, किसने? बिजेंद्र सिंह जी ने माइक श्राइडर को हराकर 11वीं जीत लगातार दर्ज की। अर्थात ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एग्री बिजनेस इनक्यूबेशन सेंटर की स्थापना कहाँ पर की गई है? एग्री बिजनेस इनक्यूबेशन सेंटर की स्थापना छत्तीसगढ़ में की गई है। कहाँ? छत्तीसगढ़। अर्थात ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। छत्तीसगढ़ के रायपुर में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एग्री बिजनेस इनक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की गई। अब बात यह आती है कि एग्री बिजनेस इनक्यूबेशन का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य कृषि को एक लाभकारी गतिविधि बनाना है और कृषि व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा, इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में हाल ही में गुरु नानक के जन्म स्थान ननकाना साहिब में बाबा गुरु नानक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई? पाकिस्तान। कहाँ रखी गई? पाकिस्तान। अर्थात ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, पाकिस्तान में न्यू रखी गई। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पाकिस्तान से रिलेटेड। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट आरिफ अलवी। पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम में पीएम यानी प्रधानमंत्री इमरान खान। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इमरान खान की पार्टी का क्या नाम है, तो तहरीक इंसाफ इमरान खान की पार्टी का नाम है। और पाकिस्तान में संसद को नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पाकिस्तान की मुद्रा क्या है, तो पाकिस्तान की मुद्रा रुपया क्या है? रुपया, पाकिस्तानी रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में शहीद सैनिकों के परिवारों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता 25 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये किए जाने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने? यानी पहले वहाँ 25 लाख रुपये वित्तीय सहायता के रूप में दिया जाता था, अब उसको बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया गया है। किस राज्य सरकार ने? महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने किया है। अर्थात ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब बात महाराष्ट्र की आई है, तो महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। और महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम में सीएम देवेंद्र फडणवीस जी हैं और महाराष्ट्र के गवर्नर सी विद्यासागर राव जी हैं। कौन है? सी विद्यासागर राव जी। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई। महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या टोटल 48 है। राज्यसभा सीट की संख्या 19, विधानसभा सीट की संख्या 288। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे 2018 के संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप अर्थात अकादमी रत्न, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप यानी अकादमी रत्न के लिए चुना गया है? जतिन गोस्वामी जी को, या उस्ताद जाकिर हुसैन जी को, या सोनल मान सिंह जी को, या सभी को, यानी उपर्युक्त सभी को
नाकट अकादमी फेलोशिप यानी अकादमी रत्न के लिए चुना गया है, अर्थात ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसके अलावा कल्याण सुंदरम पिल्लई जी को भी इससे नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने आयुष कल्याण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? यानी केंद्र सरकार ने कितने आयुष कल्याण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? कितने? 4200 यानी 4200, 4200 यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, मतलब हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा जन जागृत अभियान शुरू किया है? तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में जन जागृत अभियान की शुरुआत दिल्ली में की है। कहाँ? दिल्ली। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। दिल्ली में प्रेजेंट, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं और दिल्ली के गवर्नर अनिल बैजल जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूरोपीय संघ आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यूरोपीय संघ आयोग के अध्यक्ष के रूप में उर्सुला वान डेर लोवन, किसे? उर्सुला वान डेर लोवन जी को यूरोपीय संघ आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, अर्थात ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब बात आई है यूरोपीय संघ की, तो यूरोपीय संघ की स्थापना कब की गई थी? यूरोपीय संघ की स्थापना 1957 में की गई थी और टोटल मेंबर कंट्रीज कितने हैं? 28, यानी यूरोपीय संघ में टोटल 28 मेंबर कंट्रीज हैं। फ्रेंड्स, कल मतलब प्रीवियस क्वेश्चन आंसर, कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में विंबलडन ओपन 2019 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, नोवाक जोकोविच ने राफेल नडा सॉरी रोजर फेडरर को हराकर सेकेंड टाइम्स विंबलडन ओपन पुरुष एकल 2019 का खिताब जीत लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, टुडे क्वेश्चन फॉर यू, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित होगा? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो ये था आज के करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, और पीडीएफ के बारे में पहले ही बता चुके हैं आपसे, आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी नेक्स्ट एग्जाम से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी, जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बना आएगा, उस बेल आइकन पर आप ज़रूर क्लिक कर लें ताकि डेली मॉर्निंग में आपको करंट अफेयर्स की वीडियो मिल जाए। तो स्टडी नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। फ्रेंड्स, यदि अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू भी सब अंधकार हर लेता है। तो फ्रेंड, इस प्रकार से हमें भी पढ़ लिख कर अपने समाज के लिए कुछ करना है, ज्ञान का प्रकाश फैलाना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।